3035 kg। कितने सीसी इंजन है इसका? 3000 cc इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है, अलग अलग हेड में इंजन है। अलग सेपरेट है ना ये? सेपरेट है। अच्छा एक बात पूछ रहे हैं, पैसा वैसा के बारे में? ये यहाँ पैसे के बारे में कब लेना चाह रही हो? ये क्या हम 8 आते हैं, आगरा फाइनेंस ले जाओ। आगरा फाइनेंस नहीं होगा ये कैसे भाई साहब? ये फाइनेंस हम करा देंगे एक्सिस बैंक से, ईटा में करती है। अच्छा तो हम 8 आ गए भाई साहब, पहले पूछ लीजिए। ये क्या है भाई साहब? तो ये है और ट्रैक्टरों में डीजल निवट जाता है। अच्छा एयर निकालने के लिए? एयर निकालने के लिए ये पंप है, यहाँ पे बस हमें ऐसे करनी है और अपना इस तरीके से 2-3 बार करनी है, चाबी मारनी है, सिस्टम चालू। अच्छा। ये गवर्नर है, इसकी 15 साल गारंटी है। 15 साल आप लाइफ टाइम वारंटी, जब तक RC वैलिड है जब तक। अच्छा। इंजन की 2000 घंटा 2 साल की गारंटी है इंजन की। 2 साल। अच्छा और लिफ्ट 22.5 क्विंटल की है इसमें? यहाँ से जी भाई इंजन ऑयल सर्विस होती है, यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से डाला जाता है। कितना इंजन ऑयल? 7.5 साढ़े सात। और गियर बॉक्स में वही आता है 37.5 लीटर। अच्छा और ब्रेक इसके हाइड्रोलिक है? हाइड्रोलिक प्रेशर मास्टर सिलेंडर। हाँ। ऑयल में डूबे हुए प्रेशर एंड मास्टर जो गाड़ियों में आती है। हाँ, गाड़ियों में आती है। इतना ब्रेक मारने पे भी गाड़ी सीमी में आता है, इसलिए वही है। यार इंजन की 2 साल की वारंटी है सिर्फ? यस। पर भाग्यवाद भाग्यवाद भाई, सबसे मेन चीज क्या होती है? पंप। जब पंप की गारा 15 साल की आ रही है तो इंजन कहाँ से बैठ जाएगा? अच्छा सेंसिंग चौकर भी है ये? ये सेंसिंग चौकर। तो भाई साहब लिख के दोगे 2 साल की है सिर्फ? ये कूलेंट है इसकी 15 साल की। ये से डीजल रहेगी जब तक आप इसको कहीं छड़वा नहीं लें। जो कोई दिक्कत हो रही है आप हमारे लिए फोन करोगे, हम अपना मिस्त्री भेजेंगे, टेक्निकल मिस्त्री भेजेंगे, वो करेगा, जो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये डीजल ऑन ऑफ है? ये डीजल ऑन ऑफ है। ये यहाँ से कूलेंट है, ये कूलेंट है, एल्युमिनियम का फैन है, वाटर सेपरेट गैलरी अलग है वो इधर से। इसमें कितनी पंखड़ी है? 1 2 3 4 5 6। कूलेंट कितना आता है भाई साहब इसके अंदर? 1 लीटर। अच्छा 1 लीटर कूलेंट। डबल क्लच, ये क्लच चला, पीटीओ के लिए चला। अच्छा आपने जाहिर सी बात है मैं देख रहा हूँ, अगर मतलब आप ट्रैक्टर के पर्पज से आए हो किसी और काम से आए हो? ट्रैक्टर के लिए तुमने यार डेली बता दी यार 2 साल की वारंटी भाई जो है वो है। 2000 घंटा है यार? 2000 घंटा या 2000 घंटा या 2 साल? 2000 घंटा या 2 साल? तो 6 महीने में 2000 घंटे चला दूं या 2 साल में 2000 घंटे चला। ये है वाटर सेपरेट गैलरी? ये वाटर सेपरेट गैलरी है। अलग अलग है पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक साइकिल है, लगा सकते हो। मौसम बने बनाए ट्रैक्टर पर कोई भी कौन सा भी गियर बिना क्लच के निकाल सकते। 40 kg की पहले डबल पड़ेगा इसकी 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी है? 2250। अच्छा 4 पॉइंट लिंकेज है? 4 पॉइंट। 1 2 3 4 और पीटीओ 540 और 740 और 750। कितने RPM पर?
540 RPM है और 750 RPM है। ये 540 750 इंजन के कितने रेटेड आ रही पिन पे? जी आपके वही होना चाहिए 500 या 600। नहीं 1500 से 1600 कम से कम तो उतार रहा हूँ, 1500 से 1600 के बीच। और इंडिपेंडेंट PTO है? हाँ इंडिपेंडेंट PTO के अलग के लिए, अलग के लिए। ये पार्किंग ब्रेक है? हाँ ये पार्किंग ब्रेक है, ये ब्रेक अलग है, वो ब्रेक अलग है। अच्छा वो ब्रेक अलग है, जैसे कहीं खड़ा करना हो तो फिर ये इसे ये कर। अच्छा ये क्लच है, ये क्लच है। फीड मीटर, पावर मीटर, ये एंड रेस है, ये एक्सीलेटर है। ये बंद करने इसमें का लो हाई और सुपर रिडक्शन गियर आता है, यानी कि लो से भी लो आता है, लो आता है जो 50 HP से ऊपर आता है। अच्छा और ये इंडिपेंडेंट PTO क्लच है? ये इंडिपेंडेंट PTO क्लच है, कम चक्कर पे ज्यादा चक्कर पे लगा। अच्छा इसमें रिवर्स PTO नहीं है? रिवर्स PTO मैक्सिमम मिलता है। कौन से में वो खड़ा हुआ है उधर, उस मॉडल में अलग दिख रहा है वो मैक्स सीरीज है। ये पार्किंग गियर है, हो गया ये कंट्रोल वॉल हो गई, एसी इसमें सोलर। जाहिर सी बात है यूट्यूब पे इसका कारनामा देख ही चुके होंगे। नहीं इसके बारे में हमें काफ़ी पहले से पता है कि और ट्रैक्टर तो हमने सर्व चलाए हमारे पास सारे ट्रैक्टर पहले आप पहले इससे पहले कौन सा चला रहे हो? सारे ट्रैक्टर हैं हमारे पास, स्वराज भी है, मेसी भी है, महिंद्रा भी है, फार्मोटेक भी है, जॉन डियर भी है, पावर टेक भी है, सारे एस्कॉर्ट भी है। यहाँ से फ्लूड पड़ता है ब्रेक वाला है। हाँ हाँ ब्रेक फ्लूड पड़ता है। ये लाइट, ये लाइट, ये चाबी, चाबी। अच्छा ये 1000 लैंप है, ये हॉर्न, ये यहाँ से बंद करने का, यहाँ से बंद करने का। ब्रेक बिना स्टीयरिंग पकड़े बिना क्लच पकड़े ये फ्यूल टैंक है, ये चाबी से ही खुलता है। अच्छा चाबी से खुलेगा ये, जैसे अपना ताला दे देते हैं तो अपनी चाबी से खुलते हैं ना। अच्छा इसके डॉक्यूमेंट्स, SCV वॉल, इसमें 16 के भी टायर होंगे? 50 में नहीं आती है, 55 में मिलेंगे। अच्छा 55 में मिलेंगे, 55 ये रखा हुआ है टर्बो इंजन के साथ। अच्छा वो टर्बो के साथ है 55। हाँ इसकी क्या प्राइस है लमसम? ये कैश में 825,000 रुपये, 825,000 कैश में, कैश में ऑन रोड, ऑन रोड। इसके साथ में आपको ये वाला बम्पर, छतरी, सीट कवर और ये जैसे ये खड़ा हुआ है डबल जी मिलेगा। और ये बेट? ये बेट नहीं मिलता है, बेट कंपनी देती नहीं है। बेट अगर आप चाहते हो तो बेट मंगा सकते हैं आपके लिए, इसकी अलग कॉस्ट लगती है। वो क्या प्राइस पड़ता है कॉस्ट? जी अभी फिलहाल में कुछ बड़ा हुआ है तो अभी हमने मंगाया नहीं है, पर यही। सर सर इसके साथ में हिच नहीं मिलेगी हमें? हाँ हिच मिलेगी ना, हिच मिलेगी, ये मिलेगी। इसके साथ में वो लगाने वाला हमने अभी लगाया नहीं है ना, हम सॉरी वाले काम नहीं करते तो लगाया नहीं है। अच्छा इसमें ये हाइड्रोलिक मिंडा वाली है किसकी है ये? क्या नहीं इसकी स्वयं की है, खुद की है। अच्छा खुद वाली है, खुद की है, ड्यूज पार की है स्वयं की। इसके अंदर टायर और बैटरी को छोड़ के प्रत्येक चीज ड्यूज पार की है। इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जहाँ तक कि ये आप पिन भी देख रहे हो, ये पिन भी खुद स्वयं ड्यूज पार बनाती है। चाहते ये किसी एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट से ले सकती है, पर नहीं ये खुद भी बनाती है। अच्छा ये EPI है, वो खुद की ड्यूज पार की मॉल लगी हुई है, ये नहीं है कि नहीं। इस पे भी रबड़ पे भी देखो ड्यूज पार की मॉल लगी हुई है, ये रबड़ पे भी ड्यूज पार की मॉल लगी हुई है। सब इसका सिस्टम का है, EPI होगा ये? हाँ
12 बोल्ट के साथ कसा हुआ आता है। 12 बोल्ट नीचे भी नीचे भी ऑप्शन होगा कसने का। इसको एक और चीज है, इसको कभी भी फोर व्हील ड्राइव कर सकती हो। अच्छा हाँ, वो कैसे? वो कंपनी ने पहले से दिया हुआ है इस ट्रैक्टर के अंदर में फोर व्हील ड्राइव का। उसका कितना खर्चा आता है? वही करीबन जब आप फोर व्हील ड्राइव कराओगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ता है। 1.5 से 2 लाख का खर्चा पड़ेगा। इसका हाइड्रोलिक फिल्टर भी काफ़ी बड़ा है, है? इसका हाइड्रोलिक फिल्टर काफ़ी बड़ा है। बड़ा है, यहाँ से होता है ना फोर व्हील? तो वही यहाँ से होता है। तो ये देख रहे हो आप? हाँ, यहाँ से इस कपिंग को खोल के फोर व्हील ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये बोल्ट खोलनी है और एक तरफ बदलना है हमारा फोर व्हील। यही ट्रैक्टर, बाकी ट्रैक्टर फोर व्हील लेने के लिए बदलना पड़ेगा, ये ट्रैक्टर फोर व्हील हो जाएगा आपका। इसमें ये लाइट जलती नहीं है? नहीं, अगर आप लगवाना चाहो तो लग जाएगी। अच्छा, लग जाएगी। हाँ, फॉग लैंप्स। फॉग लैंप्स है ये, लग सकते हैं यहाँ पे, देखो लगवाना चाहते लग जाएगा। कितने बैटरी की? 80 AH की, कितने की है? 90 AH की बैटरी दे रहे हैं इसमें। ठीक, मजबूत है, प्योर फाइबर है। फाइबर है, गल नहीं सकती, रंग छोड़ नहीं सकती। फाइबर तो वो गलेगी नहीं, प्लास्टिक की टंकी है। कितने लीटर आता है इसमें? 65 लीटर। 65 लीटर, 7.5 लीटर इंजन ऑयल। इंजन ऑयल और गियर बक्सा वही आता है, मैंने बता दिया 37 से 40 के बीच में। 37 से 40 लीटर। अगर एक और चीज़ है, अगर 10 लीटर भी तेल रह गया ना गियर बक्सा में, हाँ, तो भी मेरी गिरारियाँ सूखी नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रे लगा हुआ है जीरा। अच्छा अच्छा जैसे हमारा होगा तो स्प्रे करता रहता है गिरारियों पर, इस तरीके से स्प्रे करता रहता है, तो 10 लीटर वैसे भी काम कर देगी, पर हमें रखनी नहीं है क्योंकि ये स्प्रे हुए लगे हुए हैं और स्प्रे जेट लगे हुए हैं। इंजन में भी लगे हुए हैं। इंजन में भी लगे हुए हैं। हेलमेट टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 20 से 25 किलोमीटर चला लो, ट्रैक्टर का इंजन सीज नहीं होगा, हीट दिखाएगा पर सीज नहीं होगा। ये किस लिए है? ये बम्पर कसने के लिए है। ये बम्पर के लिए, और इधर ये अगर कोई ज़्यादा बड़ा वाला बम्पर, ये तो वैसे ही है, अगर कोई ज़्यादा वैसे तो है नहीं, ये कोई अगर ज़्यादा छोटी बड़ी पट्टी वाला बम्पर ले लेता है। इसमें क्लच ब्लेड कितने इंची की है? ये मेरे को नॉलेज नहीं है, वो मारा मिस्त्री है हीरा सिंह, उससे बात करा। क्लच ब्लेड वगैरह की कुछ घंटे की तो वारंटी होगी? किसकी? ये डिफरेंशियल लॉक है, ये चारों पहियों, जो फोर व्हील है चारों पहियों लॉक करता है, टू व्हील में दो पहियों लॉक करता है। डिफरेंशियल लॉक जानते होंगे किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे हमारा फंस जाए, स्लिपेज कर रहा है, तो हमारे पास काफ़ी ट्रैक्टर हैं, क्योंकि जो हमारे पास और नए नए ट्रैक्टर आए हैं उनमें ड्राइव गियर बक्सा है, EPI।